इलाहाबाद की गलियों से निकलने वाला एक तांगे वाले का बेटा पहले इलाहाबाद का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनता है, फिर पॉलिटिक्स में आता है तो विधायक बनता है, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर संसद तक चला जाता है। लेकिन जब उसके अपराधों का घड़ा भर जाता है तो फिर धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगता है। वो शख्स जिसका नाम अतीक अहमद था, कई सालों से एक मर्डर केस में जेल में था, जिसने आज से 19 साल पहले 2004 में एक बयान दिया था कि अगर मैं मरूंगा तो या तो मेरा एनकाउंटर होगा, यानी पुलिस मुझे मारेगी, या कोई अपनी बिरादरी का सिरफिरा मुझे मारेगा, लेकिन आखिरकार में मैं सड़क के किनारे पड़ा मिलूंगा। 2004 का अतीक अहमद का दिया हुआ ये बयान साकार होता हुआ तब नजर आया जब उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में मेडिकल के लिए उन्हें और उनके भाई अशरफ को अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में जीप से उतरकर करीब 10 कदम चलने के बाद ही मीडिया कर्मियों ने अतीक और अशरफ को अपने सवालों के साथ घेर लिया। वो दोनों मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब दे पाते कि तभी माइक और कैमरा पकड़े हुए तीन मीडिया वाले अचानक से अपने असली रूप में आते हैं। मीडिया की भेस में छिपे हथियारे अपनी ऑटोमेटेड पिस्तल निकालकर अतीक अहमद के सर पर लगातार फायर कर देते हैं। इसी दौरान उन्होंने और भी गोलियां चलाई और इस तरह अपराध के एक बहुत बड़े नाम का खात्मा हो गया। इससे कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद के बेटे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। तभी से अतीक को ये डर था कि कहीं पुलिस उसका भी एनकाउंटर ना कर दे, लेकिन इस बार पुलिस नहीं बल्कि पुलिस की मौजूदगी में ही तीन हत्यारों ने अतीक अहमद को गोली मार दी और यूपी में अपराध और पुलिस की लाचारी का एक और एग्जांपल सेट कर दिया। पुलिस ने मौके पर ही उन तीनों हत्यारों को उनकी पिस्तौल के साथ पकड़ लिया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गोली लगने के कुछ समय तक अतीक अहमद जमीन पर पड़ा जिंदा तड़प रहा था और अस्पताल सामने था, लेकिन पुलिस वाले हमलावरों को ढूंढने अतीक की बॉडी को छोड़कर चले गए। अगर समय रहते उसे अस्पताल के अंदर ले जाया जाता तो शायद उसके बचने के चांसेस थे। हो सकता है कि आपको लगे कि हम अतीक के लिए संवेदना प्रकट कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ बात अतीक की हत्या की सही या गलत की नहीं है, बल्कि अतीक से जुड़े कई ऐसे लिंक थे जिससे उत्तर प्रदेश में अपराध को पूरे तरह खत्म करने में मदद मिल सकती थी, लेकिन लाचार पुलिस वाले अतीक को मरता हुआ देखते रहे और वो सारे लिंक अतीक के साथ ही खत्म हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग हमला कर रहे थे वो गोली चलाते हुए जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिसे लेकर प्रदेश भर में धार्मिक हिंसा ना बढ़ जाए इसके लिए योगी सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है, जिसमें एक साथ सड़क पर चार या चार से अधिक लोग इकट्ठा खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं अतीक की बिखरी हुई गैंग एक्टिव होकर प्रदेश में और अपराध ना फैलाए। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूरी है जिस पर सबका ध्यान जा रहा है कि आखिर अतीक की हत्या करने वाले कौन हैं? उन्होंने अतीक की हत्या क्यों करी और इसकी प्लानिंग कैसे की गई? तो सबसे पहले प्लानिंग से शुरुआत करते हैं। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीन लोग जिनका नाम लवलेश तिवारी, सन्नी और अरुण मौर्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लवलेश, सन्नी और अरुण इस हत्या को अंजाम देने से 48 घंटे पहले प्रयागराज आए थे और वहां रुकने के लिए एक होटल लिया था। जिन होटलों में ये लोग रुके थे वहां पुलिस पूछताछ कर रही है। कई होटलों में पुलिस देर रात से छापेमारी कर रही है। कहा जा रहा है कि एक आरोपी पीठ पर एक बैग टांगकर घटना को अंजाम देने पहुंचा था, जबकि बाकी के पास कोई सामान नहीं था। ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि बाकी आरोपी का सामान होटल में ही हो। पुलिस को लगता है कि इनके सामान में कोई ऐसा सबूत मिल सकता है जिससे इस मामले से जुड़े बाकी लोगों का पता लग सकता है और ये भी पता चल सकता है कि अशरफ की हत्या के पीछे असली मकसद और हाथ किसका है। पुलिस की कस्टडी में जाने के बाद इन तीनों ही हमलावरों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि वो बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। इसमें उन तीनों हमलावरों का ये कहना है कि वो कई सालों से छोटी मोटी शूटिंग का काम करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना था, इसीलिए उन्होंने अतीक को मारकर लोगों के बीच अपना नाम पॉपुलर करने के लिए ये काम किया है और वो पकड़े गए। आरोपी अपना सच छुपाने के लिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आमतौर से आपने फिल्मों में देखा भी होगा। पुलिस अभी इन तीनों के बयानों पर भरोसा नहीं कर रही है। तीनों आरोपी प्रयागराज के बाहर के रहने वाले हैं। जांच में एक बात तो क्लियर हो रही है कि तीनों अतीक और अशरफ की हत्या के मकसद से ही प्रयागराज आए थे,
खैर इन सबके बीच जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है वो ये कि पुलिस कस्टडी में किसी अपराधी को कोई ऐसे कैसे मार सकता है, और पुलिस तमाशा देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। ऐसे में तो पुलिस की कस्टडी और उसकी सिक्योरिटी का क्या ही मतलब रह जाएगा, ये तो आप बेहतर ही समझ सकते हैं। अदीक अहमद पर 100 से अधिक केस और अशरफ पर 52 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में पुलिस दोनों को एक हथकड़ी में बांध रखी थी। हत्या के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहले अतीक को गोली मारी जाती है, जिसके बाद अशरफ भी जमीन पर गिरता है। इसके बाद हमलावर दोनों को गोलियों से भून देते हैं। इसके अलावा पुलिस की लापरवाही इस हद तक देखी जा सकती है कि अतीक अपनी सुरक्षा को लेकर बार बार चिंता जता रहा था, इसके बावजूद सावधानी नहीं बरती गई। अतीक पुलिस कर्मियों के बीच रुककर मीडिया से बात कर रहा था। आमतौर पर अंडर ट्रायल कैदियों को पुलिस मीडिया से बात नहीं करने देती। पुलिस की लापरवाही के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए 17 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस सस्पेंशन से क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस की खराब व्यवस्था का रिकॉर्ड बदला जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी पुलिस कस्टडी में रहते हुए मौत हो गई हो। उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में 2017 से लेकर 2022 तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। लोकसभा में गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 2017 में 10, 2018 में 12, 2019 में 3 और 2020 में 8 और 2021 में 8 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। ऐसे में यूपी में पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर सवाल उठ चुका है और कई बार विपक्ष योगी सरकार को घेर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक आदेश में कहा था, पुलिस कस्टडी में हत्या हाइनस क्राइम है, क्योंकि भले ही कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना कर दे, अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की ही होती है, जिसमें यूपी पुलिस फेल रही। खैर अगर संभावना की बात करें तो कुछ ऐसी बातें कही जा रही है जो अतीक अहमद की हत्या के पीछे की असली वजह हो सकती है। पहली संभावना तो ये है कि किसी ने पुरानी दुश्मनी के चलते अतीक की हत्या करवाई हो। दोस्तों साल 1979 में 17 साल की उम्र में अतीक पर पहला हत्या का केस दर्ज हुआ था। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ जबरन वसूली, जमीन हड़पने, अपहरण और हत्या सहित 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। पूरे यूपी में अतीक अहमद की दबंगई है। ऐसे में तो दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस अतीक पर तेजी से कार्रवाई कर रही थी। ऐसे में अतीक का कुनबा बिखरा हुआ था, शूटर्स भागे हुए थे। ऐसे में किसी पुराने दुश्मन के लिए बदला लेने का ये सबसे बेहतरीन समय था, और उसने अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी हो, ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि राजू पाल मामले में गवाह उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को प्रयागराज में 7 शूटर ने की थी। यूपी पुलिस ने इनमें से 4 का एनकाउंटर कर दिया, वहीं 3 शूटर अब भी फरार हैं। इनका नाम साबिर, गुड्डू मुस्लिम और अरमान है। अतीक और अशरफ की रविवार रात गोली मार कर हत्या कर दी गई। ऐसे में हो सकता है कि फरार सबीर, गुड्डू मुस्लिम या अरमान में से किसी ने शूटर्स के जरिए अतीक की हत्या करवा दी हो, ताकि पुलिस प्रेशर में आ जाए। इसका कारण ये है कि अतीक की हत्या के साथ ही पॉलिटिकल बहस शुरू हो गई है। ऐसे में पुलिस अब इन फरार शूटर्स का एनकाउंटर करने से बचेगी, यानी तीनों फरार शूटर्स को इससे सीधा फायदा होगा। यानी ये संभव है कि पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए किसी साथी ने ही शूटर के जरिए अतीक की हत्या करवा दी हो, जिससे पुलिस प्रेशर में आ जाए। इसके अलावा धार्मिक सौहार्द बिगड़ने के लिहाज से भी अतीक की हत्या करवाई जा सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी को देखते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी है। दोस्तों अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो इसमें अतीक अहमद का मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुलिस कस्टडी में उसका मारा जाना और वो भी कैमरे के सामने, ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ही है तो उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़े नेता हर रोज मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। ऐसे में किसी रोज अगर इन नेता पर कोई हमला कर देता है तो पुलिस की क्या जवाबदारी होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर से बताइए। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।